हेलो, मेरा नाम है अनिल फ्रॉम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ वाइट लाइन स्मार्ट स्विचेस। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वाइट लाइन स्मार्ट स्विचेस को हम गूगल होम के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं और गूगल होम मिनी से हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाकर यहाँ होम मिनी ऐप डाउनलोड करना होता है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। होम मिनी करेंगे यहाँ सर्च तो गूगल होम मिनी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपको इंस्टॉल करने लाना है। अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अभी ये अपडेट हो गया है। अभी मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से गूगल होम मिनी ऐप होता है। सबसे पहले हमें अपने घर के राउटर के साथ कनेक्ट हो जाना होता है। तो यहाँ पे मैं अभय करके घर का राउटर है उसके साथ कनेक्ट हो गया हूँ। इतना होने के बाद सबसे पहले हमें जो वाइट लाइन का एप्लीकेशन है, वाइट लाइन के एप्लीकेशन के अंदर जो स्विच है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड फैन, ये जो स्विच है ये वाले, वो स्विच को मुझे होम मिनी के साथ लिंक करवाना होगा। तो होम मिनी को हम गूगल होम एप्लीकेशन से लिंक करवा सकते हैं। उसके लिए ये होम ओपन करना है। ये गूगल होम मिनी का एप्लीकेशन है, गूगल होम प्लस पे क्लिक करना है। प्लस में क्लिक कर यहाँ सेटअप डिवाइस है, फिर यहाँ न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है, होम सेलेक्ट रखना है, नेक्स्ट करना है। तो ये डिवाइस अभी यहाँ पे डिस्कवर होगा। तो डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लूटूथ एंड लोकेशन ऑन कर देना है, जिससे ये इजीली एप्लीकेशन इसको डिस्कवर कर पाए। तो यहाँ पे गूगल होम मिनी फाउंड, मतलब कि इसको यहाँ पे फाउंड दिखा रहा है। अभी इसको करना है नेक्स्ट, यस। यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी, ये कनेक्टिंग हो रहा है गूगल होम मिनी ऐप के साथ। अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ऐसा वॉइस सुनाई दे रहा है तो मतलब कि ये कनेक्शन हो गया है। तो यहाँ कर देना है आपको यस। ये पूछ रहे हैं तो यहाँ यस आई एम इन या फिर नो थैंक्स भी कर सकते हैं। वेयर इज दिस डिवाइस, ये डिवाइस कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे बेडरूम सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो कंटिन्यू, इस डिवाइस को हमें कौन से राउटर से कनेक्ट करना है, तो मेरे घर के राउटर से ही करना है। तो यहाँ अभय कनेक्टेड रहता है, उसको कर यहाँ नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे यूज सेव्ड पासवर्ड यहाँ पे करना है ओके। जो भी मेरा मोबाइल के अंदर जो यहाँ मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड ऑटोमेटिक कैच कर लेता है। अगर नहीं करता तो आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो इस होम मिनी डिवाइस को हमने एक राउटर के साथ जोड़ दिया है। टेस्ट करना है, गूगल ऐप को अपडेट करने के पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। आप अपडेट भी कर सकते हो। वॉइस मैच पूछ रहा है तो आप आपका वॉइस यहाँ पे डाल सकते हो। मैं अभी नॉट नाउ कर देता हूँ। नीचे जाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे इसको अगर आपको टर्न ऑन करना है पर्सनल रिजल्ट को, तो टर्न ऑन या फिर नो थैंक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीवी जो है उसको मैं अनमार्क कर देता हूँ, क्रोमकास्ट डिवाइस इसको स्किप कर देता हूँ। इसको भी मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। अगर म्यूजिक वगैरह के लिए कोई चीज़ डालनी है तो वो डाल सकते हैं। अभी मैं करता हूँ नॉट नाउ। यहाँ पे भी नो थैंक्स, इसको करता हूँ कंटिन्यू। Continue. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. तो अभी Google Home Mini device है, वो Google Home app के साथ properly link हो गया है और आप इसको command देकर कुछ भी operate कर सकते हो, गाना बजा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन
इसको वाइल्डलाइन एप्लीकेशन के साथ लिंक कराने का प्रोसेस अभी बाकी है, तो यहाँ पहले फिनिश सेटअप कर देते हैं। अभी मैं गूगल होम ऐप को वाइल्डलाइन एप्लीकेशन के साथ लिंक करवाता हूँ। तो वाइल्डलाइन का एप्लीकेशन जो हमने देखा था कि उसके अंदर ऑलरेडी ये डिवाइसेस ऐड किए हुए हैं मैंने, और मैं वाइल्डलाइन की एप्लीकेशन से तो ऑपरेट कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे इस वाइल्डलाइन एप्लीकेशन को होम मिनी के साथ लिंक करवाना है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ प्लस जो साइन है वहाँ पे, वहाँ जाकर सेटअप डिवाइस में जो फर्स्ट वाला है वहाँ, फिर यहाँ सेकेंड वॉक्स विथ गूगल है, वॉक्स विथ गूगल में जाना है। उसके बाद यहाँ सर्च करना है वाइट लाइन को, तो मैं यहाँ पे वाइट लाइन सर्च करता हूँ। वाइट लाइन स्मार्ट होम दिखेगा, वाइट लाइन स्मार्ट होम को टच करना है और लिंक करने का ऑप्शन आएगा, लिंक कर देना है आपको। जैसे ही लिंक करेंगे तब यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन का कि वाइट लाइन की एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल यहाँ पे डालने हैं, तो मैं फटाफट उसके क्रेडेंशियल डाल देता हूँ वाइट लाइन ऐप के। तो वाइट लाइन ऐप के क्रेडेंशियल डालने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाइल्डलाइन स्मार्ट होम उसके नीचे 5 डिवाइसेस लिखा हुआ है। इट मींस ये जो 5 डिवाइसेस है 1, 2, 3, 4 एंड 10, ये 5 डिवाइसेस इसने डिस्कवर किए हैं। तो आप उसको यहाँ पर देख पाओगे, तो यहाँ आप होम स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे कि बेडरूम है और बेडरूम के अंदर 5 डिवाइसेस है बेडरूम के लाइट्स वगैरह के लिए, और ये एक डिवाइस जो है वो ये होम मिनी है। अभी आप यहाँ से सभी स्विच को ऑपरेट कर सकते हो, एक साथ ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो, एक साथ ऑन करना हो तो टच से ऑन कर सकते हो। वैसे इंडिविजुअल भी ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फैन है तो फैन को यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हो, उसकी स्पीड इंक्रीज स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं। अभी हम गूगल होम मिनी को वॉइस कमांड देकर वाइल्डलाइन के स्मार्ट स्विचेस को ऑपरेट करते हैं। हे गूगल, टर्न ऑन स्विच 04। हे गूगल, टर्न ऑफ स्विच 02। हे गूगल, टर्न ऑफ स्विच 01। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल कमांड देकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसमें रूटीन कमांड भी बना सकते हैं, तो रूटीन कमांड के लिए आपको इस ऐप के अंदर रूटीन कमांड का ऑप्शन भी दिख जाएगा यहाँ पे। तो रूटीन में जाकर आप उसके अंदर रूटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ रूटीन है, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो भी नाम आपकी वाइट लाइन की एप्लीकेशन के अंदर थे उस हिसाब से इसके अंदर भी नाम आ जाएंगे, होम मिनी ऐप के अंदर नाम शो करेंगे। आप यहां पर भी इस स्विच का नाम चेंज कर सकते हो होम मिनी ऐप के अंदर जाकर, यहां सेटिंग में जाकर, और यहां स्विच का नाम आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्विच 01 का मैं करता हूं एंट्रेंस, और उसको करता हूं सीव। तो अभी मैं उसको एंट्रेंस के नाम से ऑपरेट कर सकता हूं। हे गूगल, टर्न ऑन एंट्रेंस। हे गूगल, टर्न ऑफ एंट्रेंस।
हे गूगल, टर्न ऑफ बेडरूम। हे गूगल, टर्न ऑन बेडरूम। हे गूगल, सेट फैन एट हाईएस्ट। हे गूगल, सेट फैन एट 20%। हे गूगल, सेट फैन एट 40%। हे गूगल, सेट फैन एट 80%। तो आप इस तरह से होम मिनी ऐप को, वाइट लाइन का एप्लीकेशन है, उसके साथ ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं।